सेकंड ट्रिप के साथ मैं और रिजवान हाजिर खिदमत हैं। जनाब अली काशिफ एज यूजुअल मजे से सो रहे हैं और उठ के पूछेंगे ओए होए होए ये तो बड़ा अजीब सा मैच हो गया। ले जी आज फाइनल है, बहुत बड़ा फाइनल क्योंकि हमारे लिए तो बड़ा फाइनल है, दोनों टीमों से हम हारे हुए हैं। पाकिस्तान टीम तो हमारे लिए तो बड़ा फाइनल है। इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका कोई तरने वाला साबित नहीं होने जा रही आज इंडिया के लिए। कुछ चेंजेस हैं इंडिया की टीम में और बिल्कुल एट द एंड जाके चेंज किया है, मतलब कोई डर नहीं है इंडिया को। और जिसको सारी जगह पर नहीं खिलाते उसको अचानक से खिला लेते हैं, चक्कर क्या है? रिजवान क्या क्या टीमें हैं जी बताएं फिर। टीम इंडिया की वही खेली है जो पिछले मैच में खेली थी, सिर्फ एक चेंज है। अक्षर पटेल जो अक्सर बॉलिंग भी टीम में आते हैं, अक्सर बाहर हो जाते हैं और अक्सर इंजर्ड हो जाते हैं, तो आज अक्सर वो इंजर हो गए और मैच से पहले, पर प्रॉब्ली वर्ल्ड कप को आई थिंक अक्सर वुड हैव प्लेड क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। उनकी जगह वॉशिंगटन सुंदर की अमरीका से कॉल आई है कि भाई हमारा कैपिटल है, इसको जरूर खिलाना है आपने। तो आपको पता है अमरीका को तो हम पाकिस्तान में भी ना नहीं कर सकते, तो इंडिया भी सुपर पावर तो सुपर पावर ही। तो वॉशिंगटन सुंदर जो कि एक ऑलराउंडर है, ऑफ ब्रेक भी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, ही इज प्लेइंग। श्रीलंका में भी एक इंजरी है, ठीक शाना जो कि उम्र उनका निशाना ठीक होता है लेकिन आज वो निशाने पे गलत हो गए, तो उनकी जगह लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर को खिलाया उन्होंने, हेमानाता शायद नाम है उनका, हेमानता। तो सॉरी उनका निशाने का पता चलेगा आज, उनके निशाने का आज पता चल जाएगा। टॉस श्रीलंका जीत गई है तो उस पे आपका क्या? और श्रीलंका ने फैसला बैटिंग का किया, ये बताएं कैसा फैसला है? मेरा ख्याल है ये तो अंडरस्टूड फैसला था, जो यहाँ की पिच जिस तरह बिहेव कर रही है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको एडवांटेज होता है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो मैं कहता कि शायद 99% इंडिया की टीम ये मैच एशिया कप जीत जाती। अब ये चूंकि बैलेंस हो गया है और श्रीलंका टॉस जीत के बैटिंग करी, तो आई थिंक आप 60% श्रीलंका के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और फेवर में उनके जा रहे हैं, बिकॉज पहले बैटिंग करके जो पिच का फायदा उठाना है बैटिंग में वो ले लेंगे। लाइट्स में चेज करना मुश्किल साबित हो रहा है, यहाँ पे हमने पिछले मैच में भी देखा है इंडिया की टीम भी नहीं चेज कर सकी थी। सो ये इट कैन बी वेरी वेरी टफ और आई थिंक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो इस वक्त सॉरी इंडिया की टीम बांग्लादेश के खिलाफ चेज नहीं कर सकी थी। हाँ लेकिन यार ये बताएं, चलें आज की बात करते हैं ना, क्या लग रहा है श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर देखकर? श्रीलंका इतनी बुरी टीम नहीं है, बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है उसमें, मुझे उसमें ये चीज बहुत पसंद है। जैसे वो इंडिया के साथ मैच खेली हार गई और पाकिस्तान के साथ खेल के जीत गई। अच्छा ये भी बड़ा एक ट्रिकी मामला होता है क्रिकेट का कि जब कोई टीम बड़ी फाइट कर रही होती है और एक साथ दो मैच आ जाए तो अक्सर यही होता है कि एक मैच हारती है तो अगला जीतने पर जाती है। अगर आज जीत जाती है श्रीलंका तो फिर तो वर्ल्ड कप का पूरा मोमेंटम चेंज हो जाएगा। वर्ल्ड कप का मोमेंटम ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ये पीछे चूंकि ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है ना, तो ये पीछे वो ट्रू पिक्चर डिपिक्ट नहीं करते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होने जा रहा है। आप अगर 2011 का वर्ल्ड कप देखें, 1987 का वर्ल्ड कप देखें जो इंडिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, उन पिचेस में 96 में हुआ, वो बहुत ज्यादा तीन तीन स्पिनर चार चार स्पिनर खेल रहे हैं। यहाँ पे फिर आपके कुछ मैचेस में आपने देखा कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने एडवांटेज लिया, कुछ जगह इंडियन फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, श्रीलंकन भी, और फिर कुछ पिचों पे स्पिनर्स रहे। लेकिन यहाँ पे जो आज का मैच है उसकी कंडीशंस के हिसाब से बैटिंग, विनिंग द टॉस एंड बैटिंग इज अ ह्यूज एडवांटेज टू श्रीलंका, जिसकी वजह से मैच बैलेंस आउट हो गया, वरना तो जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की टीम है। हो गया ये बताएं आप बैटिंग की तो थोड़ी देर में बात, पहले बॉलिंग की, इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे बॉलिंग करेगा, कितने पर रिस्ट्रिक्ट करने जाएगा? देखिए इंडिया की कोशिश होगी एनीथिंग अंडर 230 वुड बी अ वेरी गुड टोटल टू चेज, लेकिन जब अगर बात श्रीलंका की चल गई, परेरा भी देखे फॉर्म में आ रहे हैं, वो इज मेड अ कमबैक अगेंस्ट इन द लास्ट गेम, लेकिन वो रन आउट हो गए थे, तो परेरा इज गोइंग टू बी अ बिग फैक्टर, ही इज अ बिग मैच प्लेयर, वो अच्छी लंबी सौ भी कर लेते हैं। कनूरा रत्ने हैं, कुशाल मेंडेस हैं, धनंजया हैं, फिर शनाका भी नीचे खेल लेते हैं, तो उन सबको देखते हुए अगर तो वो उनमें से कोई दो बैट्समैन की पार्टनरशिप अच्छी लग गई और वो 270 प्लस की तरफ ले गए तो फिर इट इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। यार लेकिन इंडिया के पास मेरा ये ख्याल है कि बॉलिंग इस कैलिबर की है कि इंडिया रिस्ट्रिक्ट करेगा आज 220-230 पे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग भी बड़ी है ना, तो इंडिया के लिए 220-230 या 250 रन भी मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। हाँ अनलेस अगर श्रीलंका के स्पिनर्स उन पर पकड़ नट बना ली जैसा कि लास्ट टाइम हुआ है, क्योंकि उनके स्पिनर्स में बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा पाकिस्तान और इंडिया को टफ टाइम देकर, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ आज श्रीलंका को 280 और 290 के आसपास जाना चाहिए। खुल के खेलते तो हैं, वो डरते नहीं है और ऐसे ही खेलना चाहिए।
अच्छा अरसलान, मजे की बात यह है कि ये आज नई पिच पे मैच हो रहा है, पहले जो पिचेस है ना उस पे दो दो मैच तीन तीन मैच हो चुके हुए थे, तो पिच के ऊपर कोचेस भी डरे हुए हैं, टीम्स भी डरी हुई हैं, थोड़े से टेंटेटिव होंगे बैट्समैन शुरू में बिकॉज दे हैव नो आइडिया हाउ द पिच इज गोइंग टू बिहेव, बट जनरली वन डेज की पिचेस अच्छी होती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू श्रीलंका, बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया, लेट्स सी यू नो मे द बेटर टीम विन। चले फिर मिलते, देखते कौन जीतता, आपकी तरफ से कौन जीत रहा है जी मैच? इंडिया जी, मैं कह रहा हूँ श्रीलंका जीतेगी। चले बाय बाय, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।